हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपनी लाइफ में कहाँ पर हैं और अपने आगे आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल या 3 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं और उस टारगेट को अचीव करने में हम कितना सक्सेसफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। मीन्स प्रेजेंट में हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, यही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में और इस वीडियो में हम बेसिकली स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो आपको रिटर्न फॉर्म में एक टाइम टेबल अपने पास रखना होगा। मीन्स एक टाइम टेबल बनाकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सामने रख के आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। फर्स्ट आपको मंथली, वीकली और फिर उसको डिवाइड करके डेली टाइम टेबल बनाना है। और डेली टाइम टेबल बनाते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डेली टाइम टेबल आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में कितना हेल्पफुल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट, आपको अपना टाइम टेबल बनाते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइम टेबल में केवल टाइम ही मेंशन नहीं करना है, आपको उसमें अपना टॉपिक्स, सब्जेक्ट सब मेंशन करने हैं। मीन्स आप अगर 2 आवर्स का कोई स्लॉट बना रहे हैं अपनी पढ़ाई का, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये आपके लिए मंथली या ईयरली करना पॉसिबल नहीं है, बट आप मंथली डिसाइड कीजिए कि आपको इस मंथ में ये वाली बुक कंप्लीट करनी है। फिर उसको जब वीकली करेंगे तो ये 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फिर जब आप उसको डेली टारगेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिसाइड करना है, जैसे आपको कल पढ़ाई करनी है तो आपको आज नाइट में ये डिसाइड करना है कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, परसों मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आपको डेली टाइम टेबल्स बनाने हैं। आपको देखना है कि आप अपना इस टाइम पर कहाँ पर हैं। जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को आप एनालाइज कीजिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए, आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को बनाइए, अपने टाइम टेबल को बनाइए। नेक्स्ट, आपको अपना टाइम टेबल बनाते हुए अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है। मीन्स आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में ज़्यादा वेटेज लेकर आता है या कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। और आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए आप चलना है। मीन्स जैसे आपको जीएस में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है और आपको सीजीएल प्री या सीएचएसएल प्री या कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जिसमें जीएस पढ़ना है और आपको जीएस में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप अपना कंप्लीट टाइम जीएस को नहीं दे सकते हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि आप जीएस को भी एक लॉन्ग टाइम दे सकें और अदर सब्जेक्ट को भी अपना टाइम दे सकें। जैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मॉर्निंग जो भी आप स्लॉट रखेंगे उसमें अपना मैथ्स और इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, फिर लंच के बाद आप थोड़ा नैप लीजिए और उसके बाद अपने जीएस को रखिए। इससे क्या होगा कि जब आप लंच के बाद जीएस को उठाएंगे नैप लेने के बाद, तो आप फ्रेश फील करेंगे और फ्रेश माइंड से जीएस को उठाएंगे तो आप उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ और अच्छे से पढ़ पाएंगे, एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएंगे। सेकंड क्या रहेगा कि आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप मॉर्निंग स्लॉट में अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आपको उनकी भी उनका स्ट्रेस फील नहीं होगा और अब आप जीएस पे फोकस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम टेबल्स बनाने हैं कि आप जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ पाएं और जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको भी थोड़ा टाइम दे पाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, आपके हाथ में टाइम टेबल है तो उसको फॉलो करते हुए, आप उसको फॉलो कर भी रहे हैं बट उसको फॉलो करते हुए आपको कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मोस्टली हम बात नहीं करते हैं, जो बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, बट इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे अपने थॉट प्रोसेस का। जैसे हम पढ़ने बैठ जाते हैं,
हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें 2 आवर्स का हमने स्लॉट लिया है कि ये 2 आवर्स हमें पढ़ना है। बट कई बार क्या होता है, हमारा माइंड कुछ सोचने लगता है। सपोज करो जैसे हम सोचने लगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी हो सकता है। वो मीन्स आज हमारी मम्मी हमसे नाराज हो गई किसी बात पे, हम उसी के बारे में सोचने लगे, या दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है उसके बारे में सोचने लगे, मीन्स एक्स वाई जेड हम कुछ भी सोचने लगे। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर कहाँ पर चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। तो हमें जिस टाइम पर पढ़ना है उस टाइम पे अपना कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मीन्स अपने थॉट प्रोसेस को हमें कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अदर डिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे मोबाइल होता है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी पढ़ाई से। जैसे आज के टाइम में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्शन है, आपने सबके मुंह से सुना होगा और खुद भी आपने ये चीज़ को फील किया होगा कि फ़ोन अभी के टाइम में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्शन है। अगर फ़ोन में एक मैसेज आ गया, कोई फ्रेंड बात करने लगा, या कोई इंपॉर्टेंट भी मैसेज आ जाता है कई बार, तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और हमारा कुछ टाइम उसमें निकल जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं ये तो टाइम हमारा निकल गया। तो हमें पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं करना है, पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई करनी है और फ़ोन को अलग साइलेंट करके रख देना है, अपने एक अलग रूम में पढ़ना है या जहाँ भी आप शांति से पढ़ सकते हैं वहाँ पे आपको उस टाइम पे केवल पढ़ाई करनी है। मीन्स अपना 100% आपको देना है। नेक्स्ट हम एक बहुत ही माइनर चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है और आपने कोई अपना मॉर्निंग टाइम कुछ भी सेट किया है कि आपको 5 o'clock उठना है या 7 o'clock उठना है या 9 o'clock उठना है, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि आपको किस टाइम पर उठना है, मैं बता रही हूँ जो भी आपने अपना दिन का स्टार्टिंग सेट किया है, मीन्स जिस तरीके से भी अपने डे को आप प्रोडक्टिव बना पाए वो अपना टाइम सेट कीजिए। उसके बाद जो भी सेट किया उस पर आपको उठना ही है। सपोज करिए आपने 7 o'clock का अपना टाइम डिसाइड किया कि मुझे उठना है, तो आप 8 o'clock मत करिए उसको, फिर 7 o'clock ही आप उठिए। अगर आप उससे लेट उठेंगे, सपोज करो आप 8 o'clock उठेंगे या 9 o'clock उठेंगे, तो उससे आप ऑलरेडी 1 or 2 hours लेट हो जाएंगे, जिससे आपको, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको गिल्ट भी फील होगा, उससे आपको स्ट्रेस भी फील होगा, तो पूरा दिन भी आपका जितना प्रोडक्टिव आप बना सकते थे उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपने टारगेट्स की तरफ चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को काम रख कर पढ़िए और खुश रह कर पढ़िए। इससे आपको अपनी एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नेचुरल है कि हमें थोड़ा स्ट्रेस तो होगा, वो नेचुरल है, बट हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ना है। हमें अपने आप को काम रख कर और खुश रह कर पढ़ना है, जिससे हम अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।